हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। बिहार में एक और नई भर्ती का आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर आया है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आज का ही 3/8/2019 का अपडेट है। जी हां फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती, अवर निरीक्षक का 4586, सिपाही 22655, चालक सिपाही 2039 पद, कुल जो है लगभग 30,000 पद खाली पड़े हैं अभी भी बिहार पुलिस में। तो इसका कब तक बहाली आएगा, कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या है, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस का जो है विज्ञापन बहुत दिनों से नहीं आया है और बिहार में लगभग 30,000 पद खाली हैं। तो इसका पूरा अपडेट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है इसे मोटिवेट होते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आगे भी आप लोग को अपडेट मिलते रहे। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को और इसको शेयर भी कीजिए ताकि सभी तक ये बात पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैंने वीडियो अपलोड किया है अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जो कि सहायक पदाधिकारी का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बाकी पदों का कब तक आएगा तो ये वीडियो को जाके आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फ्रेंड्स, पंचायती राज विभाग में बहुत बड़ा अपडेट आया है कि एक और जिला का जो है जो पिछला काउंसलिंग हुआ था वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जो कि लेखापाल से आईटी सहायक पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी किया गया है, आपको जाकर नाम चेक कीजिए अगर उस जिला में भरे हैं तो। और जो काउंसलिंग का डेट जारी किया वो किया गया है 28 अगस्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके जरूर देखिए। और बिहार में एक सबसे बड़ा अपडेट कि ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है कि बेल्ट्रॉन को जो जिम्मेदारी दी गई है कि अब जो है एचबीडब्ल्यू असिस्टेंट का बहाली जो है पहले करता था बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, अब जो है वो नहीं करेगा, बल्कि अब बेल्ट्रॉन जो है डीओ का बहाली करेगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जगह। बहुत बड़ा अपडेट है, जगह वीडियो को देख लीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और बिहार में जो भर्ती चल रही है सभी जिलों और प्रखंडों में ICDS के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट का, तो यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए जो है काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है सुपरवाइजर का नई भर्ती चालू है, ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। और जो इंटर पास है या ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट में तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑफलाइन अप्लाई है और सैलरी भी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्र इस्पात निगम में 560 पदों पर बहाली चल रही है और 1 अगस्त से जो है ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। आप ITI हैं, BA, BSc, BCom है या डिप्लोमा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो है एक और जिला में अप्लाई शुरू हो चुका है, आप जाके कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अपडेट मैंने दिया है अपने चैनल पे बिहार के रिगार्डिंग में, तो आप जाके देख सकते हैं, सारा चैनल पे मेरा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको बिहार पुलिस का नया अपडेट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो अपडेट आया है, ये आया है आज का पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है आपका जो है जब ये कोर्ट में मामला गया तभी जो है ये बात सामने आई है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को देखते रहिए। शक्ति जो है पुलिस महकमे में रिक्तियों पर हाई कोर्ट के दो टूक। ठीक है, पुलिस में खाली पदों को 2020 तक हर हाल में भरना होगा, यानी फ्रेंड्स 19 लगभग खत्म होने वाला, आधा से बेसी खत्म हो चुका है। तो यानी आप लोग को उम्मीद रखिए कि 19 के लास्ट तक में इसका विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि 20 तक में हर हाल में भरने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। पुलिस महकमे में खाली पदों को लेकर पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने साफ कहा कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वर्ष 2020 तक पुलिस महकमे के रिक्त पड़े सभी पदों को भरना होगा, भले ही सरकार को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोर्ट ने राज्य को जो है मुख्य सचिव और DGP से 13 अगस्त को उपस्थापित होकर यह बताने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस के खाली पदों को भरे जाने के लिए क्या पहल हो रही है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी यह इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है, और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग के उप सचिव ने एक शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक के 4586 पद, सिपाही के 22655 पद और चालक सिपाही के 2039 पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को वर्ष 2023 तक भर लिया जाएगा। यानी कोर्ट में ये पदों का जिक्र किया गया, इतने पोस्ट खाली हैं और कहा कि 2023 तक भर लिया जाएगा। तो गृह विभाग के शपथ पत्र को देखने के बाद
जो है खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्ष 2020 तक खाली पदों को भरने का निर्देश दिया तो किस कारण से इन पदों को वर्ष 2023 तक भरने की बात शपथ पत्र में कही गई है। तो यहाँ पर बहुत ही कड़ी फटकार लगाई गई है बिहार सरकार को, ठीक है, कोर्ट ने लगाई है कि जब शपथ पत्र उसका देखा कि 2023 तक बहाली करेगा तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 2020 तक करना है तो आप किस हिसाब से 2023 तक बहाली कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोर्ट ने कहा कि जो रिक्तियाँ अभी बताई जा रही हैं वे वर्ष 2023 में बढ़कर और ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो है बाकी और भी पेज 17 पर है, ठीक है, चलिए देखते हैं और भी अपडेट यहाँ पर कि जो है यहाँ पर निगरानी ब्यूरो में रिटायर्ड पदाधिकारियों से काम लेने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो में जांच और अनुसंधान के लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से काम लेने पर भी नाराजगी जताई है और खंडपीठ ने कहा कि अगर रिक्त पदों को भर दिया जाता तो इन सेवानिवृत्त अधिकारियों से जिन्हें संविदा के आधार पर रखा गया है अनुसंधान कार्य कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सुनवाई के समय खंडपीठ ने बताया कि वर्ष 2009 से ही सिपाही के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की जा सकी है और इस मामले पर जो है अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी, ठीक है। आज यहाँ पर 3 अगस्त और 13 अगस्त को फिर से हाईकोर्ट ने बुलाया है, इसके रिगार्डिंग में आप क्या क्या फैसला कर रहे हैं मुझे बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अवर निरीक्षक के 4586 पद, सिपाही के 22655 पद और चालक सिपाही के 2039 पद रिक्त पड़े हैं, लगभग 30,000 पद जो कि कोर्ट ने 2020 तक हर हाल में भरने के लिए यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है। तो फ्रेंड्स यही था अपडेट, ठीक है फ्रेंड्स, कि 2020 तक आप लोग को यहाँ पर भर लिया जाएगा, यानी 19 तक जो है आप लोग का अपडेट आ जाएगा विज्ञापन का। तो इसके रिगार्डिंग में जैसे ही कोई आता है अपडेट फ्रेंड्स हम लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।